ये सीरोलॉजी टेस्ट क्या है? सिंगापुर में जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, इवन मेरे दोस्त जो आए थे होटल इंडस्ट्री में वर्क परमिट पर आ रहे हैं, तो उनको MOM ने और MOH ने, जो ICA जो यहाँ की इमिग्रेशन है, उन्होंने IPA जब आपका इशू हो जाता है तो उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ का ट्रेस टुगेदर एक्टिवेट, और वहाँ तक कि परमिट कार्ड जो आपका, चाहे स्टूडेंट पास हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो और एस पास वर्क परमिट किसी भी इंडस्ट्री का हो, कुछ भी, लेकिन आपको सीरोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा अगर आप ओवरसीज से आ रहे हो। मीन्स अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हो तो भाई पूरी देखना वीडियो को, उसमें बताने वाला हूँ कि क्या चीजें होंगी। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक, जैसे थंबनेल से आपने समझ गए होंगे, मेरा एक दोस्त पर्सनल मैं बताने वाला हूँ कि यार वो सिंगापुर में दिसंबर में आया था, और उसका जो वैलिड वीज़ा होता है, आपको पता होगा कि IPA जो है 3 महीने तक का वैलिड होता है, तो 3 महीने के वैलिड में उसने MOM में जाके थंब प्रिंट वगैरह सारा कुछ करा लिया, लेकिन उसने एक चीज़ नहीं कराई, वो है सीरोलॉजी टेस्ट। अब वो सीरोलॉजी टेस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट आती है, इसका फायदा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो बता दो। 3 3 महीने बाद जब उसका जो कार्ड रजिस्ट्रेशन, जब कार्ड आता है आपका, थंबनेल प्रिंट सब कुछ होता है, तो उसने कहा कि भाई आपको सीरोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा। तो बंदा सीरोलॉजी टेस्ट कराने गया, विद इन 2 डेज में उसने सबमिट करा MOH से, MOH ने ICA को सबमिट किया, तब जाके उसका परमिट कार्ड आया। बहुत जरूरी है, और ये ओवरसीज में जहाँ से फॉरिनर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से हो, ये सीरोलॉजी का मतलब है कि भाई उस टेस्ट से, सीरोलॉजी ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है कि भाई आपका वैक्सीनेशन सही है या नहीं है, आपको पास्ट में कोविड हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, गलती से मेरा चैनल देख लिया है, तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ भाई, सिंगापुर में आपको पता, वर्क परमिट आ रहे हैं, एस पास हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ इश्यू हो रहा है, सब कुछ खुल चुका है, टूरिस्ट वीज़ा आने वाली वीडियो में बताने वाला कि टूरिस्ट वीज़ा आप ऐप से अप्लाई कर सकते हो। 2 वे होते हैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के, क्या क्या होते हैं वो अगली वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर करना कि भाई टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वीडियो बना। लेकिन किसी ने कहा था कि ये ब्लड सीरोलॉजी टेस्ट के ऊपर जरूर वीडियो बना, इसकी क्या कॉस्ट होती है। सबसे पहले आप, जैसे सिंगापुर में सब कुछ हो जाएगा आपका, आप इधर सिंगापुर पर आके, मैं स्क्रीनशॉट पर भी दिखा दूंगा कितनी कॉस्ट है, क्या है इसका मतलब क्या है, तो जो इसका जो मतलब बिल्कुल है, स्क्रीनशॉट पर पढ़ लो, पूरा लिखा मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। सीरोलॉजी टेस्ट डिटेक्ट पास्ट इन्फेक्शंस, अगर आप जो यहाँ सिंगापुर में करेंगे तो उसको पता लग जाएगा भाई वहाँ टेस्ट है कि कितने महीने पहले आपका इन्फेक्शन हुआ था। एंड आर मोस्टली यूज टू प्री डिपार्चर स्क्रीनिंग, आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। इट इसमें आपके ब्लड में आपके जो प्रोटीन्स वगैरह, पता नहीं क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ताकि पता लग जाता है कि इस बंदे को वैक्सीन लगी हुई, एंटीबॉडीज जिसे बोलते हैं, इस सीरोलॉजी टेस्ट से पता लग जाता है इसमें कितनी एंटीबॉडीज हैं, ताकि एंटीबॉडीज काउंट करके ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मीन्स हमें पता लग जाता है कि ये बंदा, इसने वैक्सीन ले रखी है नहीं रखी। इफ दिस इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम डेस्टिनेशन कंट्री, ये हर किसी कंट्री, अब सिंगापुर की कंट्री का ये लो है, अगर आपका WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आपकी वैक्सीन अप्रूव नहीं है, अगर आप उस वैक्सीन को लेकर सिंगापुर में आ रहे हो, तो 100% सीरोलॉजी टेस्ट होगा होगा। और अगर जैसे इंडिया से कोवैक्सीन आ रहे हैं सिंगापुर लेके, तो सीरोलॉजी का, कोविशील्ड वालों के लिए भी सीरो, मीन्स कहने का मतलब सिंगापुर कंट्री ने जो बाहर से लोग आ रहे हैं सीरोलॉजी टेस्ट, फाइजर मॉडर्ना अगर आप हैं तो नहीं, अगले से इंडिया में कोविशील्ड कोवैक्सीन से आ रहे हैं तो सीरोलॉजी टेस्ट होगा। छोटी सी थोड़ा सा खून निकाला जाता है, फिर वो टेस्ट होता है और वो ही सबमिट कर देते हैं MOH में, तो ठीक है। तो इसका मतलब है, दिस इज अ रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट पर वेरिफिकेशन ऑफ ओवरसीज कोविड 19 वैक्सीनेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर्पस, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट में, अब यहां पर बहुत सिंपल तरीका है, आप रजिस्ट किसी भी वॉकिंग पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट पर एक यहाँ जुरोंग में एक्यूमेड है, इसकी जो फीस है $68, GST लगा के $460। तो सीरोलॉजी टेस्ट बहुत ज़रूरी है भाई, बिकॉज अगर सीरोलॉजी टेस्ट मेरे दोस्त का, उसने कराया नहीं था, उसने 1 महीने से पेंडिंग, उसने इतना रिक्वायरमेंट किया, उसका परमिट नहीं आया, कार्ड नहीं आया, अप्रूव्ड वीज़ा दिखा रहा है, कार्ड नहीं आया। अगर वो कार्ड, और सिंगापुर में बताता हूँ, कोई स्टीगर वीज़ा नहीं होता है, एक कार्ड वीज़ा होता है, स्क्रीनशॉट देख लो, इस तरह का कार्ड वीज़ा होता है, सैम्पल वीज़ा है। तो अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो आप सिंगापुर में किसी भी ट्रेवल नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि
कि ये जो कार्ड है आप इस कार्ड के से बहुत चीजें आप कर सकते, किसी भी आप बाहर रोड पर जा रहे हो अगर किसी ने पूछा आपका वीजा का है तो एक कार्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कार्ड आने के लिए आपको पूरा आईपी अप्रूवल होना चाहिए, आपका मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर आ रही होगी नहीं तो आई लिंक पर आ रही होगी, नहीं तो मेरे चैनल को जाके देखना कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, लेकिन सीरोलॉजी टेस्ट बहुत कराना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।